अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और आप सबको हमारी पूरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। तो हमारे यहाँ पे नमाज है 6:30, तो आया नहा रहा है अभी और ये रेडी हो रहे हैं, तो जाएंगे ये दोनों नमाज पढ़ने के लिए। और एक फैमिली है उनके साथ जाएंगे मिलकर, और मतलब मैं भी ये दोनों जाने के बाद, नमाज़ पढ़ने के जाने के बाद घर झाड़ू लगा लूँगी पहले, फिर थोड़ा घर पोंछ लूँगी, उसके बाद मैं भी जाऊँगी नहाने के लिए, फिर इनाया को उठाऊँगी, फिर इनाया को नहलाऊँगी, क्योंकि इनाया को थोड़ा सा सर्दी हो गया है 2 दिन से, तो इसलिए थोड़ा सा मैं धूप निकलने के बाद ही मतलब उसको नहलाऊँगी। तो अब से मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ये है हमारा ईद का नाश्ता, जिसमें है गुजिया, नमक पारे, खजूर, चॉकलेट केक, पोहा का मिक्सर और यह है सिर कोरमा। यहाँ पे मैंने हस्बैंड को काम पे लगा दिया है और मैंने काम दिया है इनको प्याज कट करने का। तो आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि ज़्यादा प्याज होता है तो मैं नहीं कट कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे आंखों से बहुत आंसू निकलते हैं, तो इसीलिए यही कट करते हैं। तो इनको लगा दिया है प्याज कट करने में। उसके बाद प्याज कट करने के बाद मैं जाऊँगी बिरयानी बनाने के लिए, और आज मैं बनाऊंगी कीमा बिरयानी। आयन और इना बाजू वाले घर में है, ईद खाने के लिए गए हैं शायद। घर तो दिखा दिया था ना तुमने, मैं दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा हॉल, देख सकते हैं। और हस्बैंड यहाँ पे प्याज कट कर रहे बिरयानी के लिए, और ये लाइटनिंग डेकोरेशन किया है इस बार हमने ईद के लिए खास करके। इसमें इनाया का दुपट्टा है बेड में, और ये डाइनिंग टेबल है, उस तरफ एक शोकेस है तो उसमें मैंने कुछ सामान रखा हुआ है, इस तरफ एक मिक्सर है, कैबिनेट, टीवी इस तरफ है, यहाँ पे एक सो रैक है। तो इस तरफ है हमारा बेडरूम, और ये एक वार्डरोब है, तो इसका थोड़ा सा डोर ख़राब है, ये हमने ठीक कराएंगे तो उसके मतलब नहीं, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते करेंगे, ऐसे ही रह गया है। और ये ड्रेसिंग टेबल है, और यहाँ पे एक बॉक्स है, उसके अंदर कुछ सामान है, बच्चों का खिलौना भी है, 2 बास्केट है बच्चों का घर में पहनने का कपड़ा। यहाँ पर भी एक वार्डरोब है, देख सकते हैं। और बस ये पेंटिंग मैंने किया है। यहाँ पर हमारा बेड है, यहाँ पर एक स्टैंड फैन भी है, और ये है स्टडी टेबल आयन और इनाया का, खास करके आयन ही यूज़ करता है, पर इनाया का स्कूल का सामान भी है यहाँ पर। और ये भी कुछ पेंटिंग्स है तो मैंने ही बनाया था, वी डेसी ये भी मैंने ही बनाया था। पानी बोतल रख देती हूँ, रात को पानी प्यास लगता है और तो उठने के लिए मन नहीं होता है, तो उस अलसीपन में कभी कभार पानी भी नहीं पीते हैं, तो इसलिए मैं बॉटल पास में ही रख देती हूँ, रात को बच्चे भी पी लेते हैं, हम भी पी लेते हैं। और इस तरफ कर्टन लगा हुआ है, 2 चेयर है, हॉल में जगह नहीं था तो डाइनिंग टेबल का एक चेयर यहाँ पे रखा है। हर लोग, कोई लोग मतलब बेडरूम के अंदर आते हैं तो ज़्यादातर लोग बेड पे मतलब बैठना प्रिफर नहीं करते हैं, तो इसलिए 2 चेयर रखा है यहाँ पे। और वहाँ पे हमारा रिंग लाइट है। और किचन दिखा देते हैं आपको, तो ये है किचन का मेन एंट्रेंस, ऊपर देख सकते हैं, ये भी पेंटिंग मैंने ही किया है, ये पुराना ट्रे था तो उसमें मैंने कर दिया है। और इस तरह भी थोड़ा सा हॉल में पेंटिंग है, ये भी मैंने ही किया है। और इस तरह भी एक है, मैं किचन दिखा देती हूँ पहले। और ये अल्लाह जो लिखा हुआ है वो भी मैंने ही बनाया था, नीचे वाला हमने खरीदा है, बाकी वो केटल है वो भी मैंने ही बनाया था। ये ग्लास पेंटिंग, उसके बाजू में जो पेंटिंग है वो भी मैंने ही बनाया है। ये पुराना तवा है तो उसको भी मैंने ही बनाया है, मतलब ख़राब हो गया था तो फेंक नहीं दिया मैंने। यहाँ पे एक पेंटिंग है तो ये भी बहुत सालों पहले, मतलब 15 साल पुराना है ये पेंटिंग। और यहाँ पे फ्रिज में देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा मैग्नेट है तो ये भी मैग्नेट मैंने ही बनाया है क्ले से, थोड़ा सा और है मतलब मैग्नेट निकल गया था तो लगाना है।
और इसमें एक किचन रैक है, ये है हमारा किचन। थोड़ा किचन फैला हुआ है क्योंकि आज ईद है तो बनाना है ना, इसलिए। तो किचन में किसी और दिन आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ पे हमारा कीमा बिरयानी बनके रेडी है, तो कीमा बिरयानी हम दोनों खाएंगे। इनाय रायान ने खा लिया है पहले, तो ये है साथ में रायता। बस कबाब के लिए मैरिनेट करके रखा था पर हिम्मत नहीं हुआ फ्राई करने के लिए, तो रात को फ्राई करके खाएंगे, नहीं तो कल खाएंगे। डिपेंड करते हैं, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि नींद पूरा नहीं होता है तो ऐसे ही होता है, और एक हफ्ते से मेरा सर में और दांत में दर्द है ना, इसकी वजह से दांत के दर्द मतलब दिमाग में आ रहा है, दिमाग काम नहीं हो रहा है। हाँ, फोन आया है ना, यहाँ पे खेल रही है, उसका ड्रेस चेंज कर दिया मैंने क्योंकि वाइट ड्रेस है तो खराब हो जाएगा। और आई एम भी यहाँ पे सलमान का फैन, सुपरमैन दिखाओ, कैसे करते ऐसे करके दिखाओ, बताओ एक बार बताओ, मैं सलमान का फैन, आयन बताओ सुपरमैन कैसे करती है ना। तो इसने खिलौना निकाल लिया है फिर से बिस्तर पे, वाइट बिस्तर पे, देख सकते हैं। बस अभी खाना खाएंगे, फोन पे फोन आ रहे हैं, और घर के नेबर्स में बुलाए थे तो वहाँ पे हमने कीमा भाजी और मतलब कीमा ग्रेवी टाइप बनाया था, बहुत अच्छा बना था, टेस्टी यम्मी, साथ में पूरी था, ओह मज़ा आ गया खा के। तो इसलिए थोड़ा ही खाना खाएंगे, मतलब बिरयानी फेवरेट है ना, इसलिए थोड़ा नहीं बहुत ही है, पर खाएंगे ज़रूर। ईद के दिन बिरयानी नहीं खाया तो ईद नहीं लगता है। तो अभी बज रहे रात के 8:20 हुआ है शायद, 8:20 मतलब देख रही थी, नहीं 8:10 तभी हुआ था, 8:20 हुआ है शायद। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एलिमेंट्स मॉल, जो हम लोग वीकेंड पे जाते हैं, ससुराल है हमारा, पर हाँ मेरा मायका है। तो एलिमेंट्स मॉल हम लोग इसलिए जाने वाले थे कि बच्चे को मतलब थोड़ा प्ले जोन में खेलने के लिए लेके जाएंगे, थोड़ा उनका भी मूड अच्छा रहेगा, पर कार्ड नहीं मिला, जो वो कार्ड रहता है ना उनका, तो वो कार्ड इतना ढूंढा घर में, पता नहीं कहाँ रख दिया, मिला नहीं, तो इसलिए ऐसे ही जाके आना पड़ेगा। कल तो जुम्मा है और कल इनका ऑफिस भी है, पर घर से ही काम करेंगे ना। हाँ, छुट्टी लिया था इन्होंने, पर उन लोगों ने बोला छुट्टी कैंसिल करो और काम को आओ, सिर्फ ईद के दिन ही छुट्टी, फिर सैटरडे संडे तो वीकेंड हो गया इसके लिए छुट्टी मिल गया, अगर सैटरडे संडे नहीं होता तो वो भी नहीं मिलता। सैटरडे को शायद कुछ सरप्राइज है बोल रहे हैं, पर अभी तक बताया नहीं है क्या सरप्राइज है, तो सैटरडे को ही पता चलेगा। बच्चे को स्कूल नहीं भेजूंगी कल, के नेक्स्ट दिन तो किसी को भी मन नहीं होता है, तो आयन ने पहले ही बोल दिया था, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। और आयन पीछे, इनाय भी है इस तरफ, इनाय कहाँ गई, हाँ इस तरफ,